क्वेश्चन है, फिगर शो थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी से इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड। तो ऑप्शन दे रखा है, वन ऑप्शन है बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी, सेकेंड ऑप्शन है बी ए इक्वल टू बी बी ग्रेटर देन बी सी, थर्ड ऑप्शन है बी ए इक्वल टू बी बी स्मॉल देन बी सी, फोर्थ ऑप्शन है बी ए ग्रेटर देन बी बी इक्वल टू बी सी। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि जो ए बी लाइन है ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है और इन दोनों के बीच पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उसपे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो एट पॉइंट ए एंड बी पोटेंशियल क्या है हमारे पास, जीरो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है एंड दे आर कॉन्स्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्स्टेंट है। और बी सी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर जो अगर लाइंस क्या करी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिस साइड में उसी डायरेक्शन में मूव करी हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या होती है, जो पोटेंशियल होती है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज वी आर गोइंग इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनमें रूल होता है कि अगर परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल होगा वो जीरो आएगा, अगर हम क्या करते हैं पैरेलल मूव करते हैं जो पोटेंशियल आएगा वो डिक्रीज होगा, वी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि नेगेटिव में आएगी। अगर हम अपोजिट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो जो हमारे पास वी होगा वो इंक्रीज होगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन क्या होगा, बी और बी बी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, और बी सी क्या होगी इन दोनों से कम होगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। दिस इज द आंसर।